वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने कहा है अर्थव्यवस्था में मांग को पटरी पर आने में लंबा समय लगेगा और 19 के पहले के स्तर पर पहुंचाना सरकारी खपत पर निर्भर करेगा। RBI ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि भारत का सतत वृद्धि की राह पर लौटने के लिए तेजी और व्यापक सुधारों की जरूरत है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में RBI किस तरह के सुधार के बारे में इस रिपोर्ट में बताया है और साथ ही क्या है देश की आर्थिक स्थिति। दरअसल RBI ने मंगलवार यानी 25 अगस्त को एक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि साल के दौरान अब तक सकल मांग के आकलन से पता चलता है कि खपत पर असर काफी गंभीर है और इसके पटरी पर और COVID-19 के पूर्व स्तर पर आने में लंबा समय लगेगा। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि गरीबों पर सबसे मुश्किल मार पड़ी है। गरीब तबका और गरीब हो सकता है सोच समझ कर की जाने वाली यानी मनमर्जी वाली व्यक्तिगत खपत नदारद है। त्योहारी सीजन में भी उपभोक्ताओं की मांग बढ़ने का अनुमान नहीं है। अर्थव्यवस्था में परिवहन सेवा, होटल, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियां विशेष रूप से प्रभावित है। इन क्षेत्रों में खपत की हिस्सेदारी सकल घरेलू उत्पादन यानी GDP का करीब 60% है। RBI के अनुसार आने वाले समय में महामारी से प्रभावित मांग को सरकारी खपत से सहारा मिलने की उम्मीद है। निजी खपत मांग में सुधार को तभी आगे बढ़ाई जाएगी जब यह मजबूत होगी। जब तक खर्च योग्य आय नहीं बढ़ती है और लोग मनमर्जी से खर्च करने की स्थिति में फिर आ जाते हैं तब तक जरूरी खर्च के जरिए ही निजी मांग बढ़ेगी। बता दें कि रिजर्व बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में हमेशा की तरह आर्थिक वृद्धि का अनुमान नहीं दिया है। हालांकि उसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के 2020-21 में 3.7% और OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के 7.3% गिरावट के अनुमान का जिक्र किया है। आर्थिक वृद्धि दर COVID-19 महामारी से पहले नरम पड़ गई थी। देश की GDP वृद्धि 2019-20 में 4.2% रही जो एक दशक पहले वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से सबसे कम है। पहली तिमाही की GDP आंकड़ा 31 अगस्त को जारी होगा। वैश्विक तथा घरेलू एजेंसियों ने अर्थव्यवस्था में 20% तक गिरावट का अनुमान जताया है। वहीं RBI ने कहा है कि उच्च आवृत्ति के संकेतक बताते हैं कि गतिविधियों में कमी ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व है। रिपोर्ट के अनुसार देश के कई भागों में लॉकडाउन में ढील के बाद मई और जून में जो तेजी दिखी थी वह जुलाई और अगस्त में हल्की पड़ती नजर आई है। यही कारण है कि कुछ क्षेत्रों में फिर से लॉकडाउन लगाया जाना या कड़ाई से उसका पालन कराना रहा है। यह बताता है कि आर्थिक गतिविधियों में गिरावट दूसरी तिमाही में भी बनी रहेगी। तो ये थी कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक व्यवस्था में हुए बदलाव पर हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही आप इस आर्थिक संकट पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।